गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चैप्टर नंबर 4 क्लीन टुगेदर। इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया? इस चैप्टर में हमने अपने आसपास की क्लीनलीनेस के बारे में स्टडी किया। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में क्लीन इंडिया मिशन के बारे में स्टडी किया। उसके बाद में आ न्यू बिगनिंग किस तरह से होती है उसके लिए हमने छोटी सी स्टोरी रीड की थी गंगा की, जिसमें हमने स्टडी किया था कि किस तरह से गंगा की फैमिली ने जब टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन अपने घर में करवाया तो उनको देख करके जो उनके अदर विलेजर्स थे उन्होंने भी अपने घर में टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, टॉयलेट्स बनवाए। तो एक नई शुरुआत एक घर के अंदर एक अच्छे काम को होने से, एक अच्छी चीज़ के होने से अदर्स को किस तरह से सीख मिलती है और एक नई शुरुआत किस तरह होती है वो हमने स्टोरी के थ्रू जाना था। उसके बाद में हमने एक स्टोरी और पढ़ी थी गंगा की कि किस तरह से उसने फोटो के अंदर देखा था, उसने फोटोग्राफ में देखा अपने भैया भाभी के फोटोग्राफ में देखा कि सिटी में किस तरह से सफाई होती है, वहाँ किस तरह से बड़े बड़े घर होते हैं जिनमें सब लोग सफाई का ध्यान रखते हैं। तो उसको बड़ा एम्बेरस फील हो रहा था कि हमारा घर तो बहुत छोटा है। तो उस स्टोरी से हमने ये सीखा था कि चाहे हमारा घर छोटा घर ही क्यों ना हो लेकिन अगर वो साफ है, बिल्कुल क्लीन है, तो वो एक बड़े घर से भी बहुत अच्छा घर बन सकता है, बहुत सुंदर घर वो बन सकता है। चाहे स्पेस एक घर में छोटा घर हो, स्पेस की कमी हो, लेकिन अगर वो साफ़ सुथरा है तो वो कोई बड़ा वो ज़्यादा बड़ा मैटर है कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि घर आपका छोटा सा है या गाँव में है, बड़ी बात क्या है उसको साफ रखना, उसको प्रॉपर रखना, तो वो घर अपने आप में एक सुंदर घर, अच्छा घर हमको लगता है, अच्छी फीलिंग देने वाला घर हमको होता है। तो और तीसरी बात कि जो साफ सफाई होती है क्लीनलीनेस वो हमारी हैबिट में होनी चाहिए, वो शो ऑफ के लिए नहीं होना चाहिए, किसी को दिखावे के लिए दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, हमारी डेली रूटीन में डेली की हैबिट में होना चाहिए कि हम अपने घर में अपने आसपास जहाँ भी हम जाएँ वहाँ पर साफ सफाई रखें। एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको लास्ट में चैप्टर में दिया गया है गांधी जी के बारे में कि जो गांधी जी का आश्रम था उसमें कोई भी अननोन पर्सन या नोन पर्सन कोई भी जब उनके आश्रम में जाता था तो उनके आश्रम में सबसे पहले उस पर्सन को क्लीनिंग टॉयलेट क्लीनिंग का वर्क दिया जाता था। सबसे पहले गांधी जी के आश्रम में जो भी एंटर करता था तो सबसे पहले उसको टॉयलेट क्लीनिंग का वर्क दिया जाता था। उसके बाद में उसको डेली के अदर वर्क जो थे, अदर जो टास्क होते थे वो उसको बाद में दिए जाते थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता था महात्मा गांधी का। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी खुद भी साफ सफाई और क्लीनिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते थे। इन दिनों जो स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया कैंपेन जो हमारी कंट्री में चलाया जाता है ये इसी में 2 अक्टूबर को गांधी जी के बर्थडे पे ही इसको स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसमें जो रोड्स है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनकी साफ सफाई की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अलावा लोगों को भी अवेयर किया जाता है कि वो इन पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी कचरा नहीं फेंके, गंदगी नहीं फैलाएं। इसके अलावा हर घर के अंदर डस्टबिन रखे जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे भी डस्टबिन रखे जाते हैं और लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो इन डस्टबिन का यूज करें, जो भी कचरा जो भी गार्बेज होता है उसको उस डस्टबिन में ही फेंके। इसके अलावा इसके अंदर जो क्लीन इंडिया कैंपेन है इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारा कचरा होता है उसको अगर हम रिसाइकल कर सकते हैं या हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं तो वो भी हमको करना चाहिए। जैसे हमारे डस्टबिन की चीज़ होती है जो ओल्ड बॉटल्स होती हैं या ओल्ड क्लोथ्स होते हैं, ओल्ड क्लोथ्स से हम डस्टर बना सकते हैं, क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। बॉटल्स है उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, उन पर पेंटिंग वगैरह ड्राइंग वगैरह करके हम एक अच्छा फ्लावर पॉट बना सकते हैं, पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं, पेंसिल का जो स्टैंड होता है पेन स्टैंड वो बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पुरानी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं या उनको रिसाइकल करके दोबारा उनसे उन पर प्रोसेस करके नई चीज़ को न्यू चीज़ बना सकते हैं यूज़ के लिए। तो इस तरह से रिसाइकल और रीयूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे आपका एक तो गार्बेज जो आप डस्टबिन फेंकने वाले थे वो आपका रीयूज हो जाएगा, काम हो जाएगा और कचरा भी कम होगा। नाउ चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसके 4 क्वेश्चंस मैं आज आपको समझा देती हूँ कि आप अपनी कॉपी में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हाउ डिड यू रन क्लीन इंडिया कैंपेन इन योर स्कूल, एक्सप्लेन। आपने क्या कभी अपने स्कूल में क्लीन इंडिया कैंपेन चलाया है क्या? अगर आपने चलाया है तो आप ना
third group of the students clean the toilets, and the fourth group of students sold the old items of the school. Thus, we cleaned our school. Now, our school looks very beautiful. हमारे स्कूल के फोर ग्रुप हमने बनाए. एक ग्रुप ने क्लासरूम्स को क्लीन किया, एक ने कॉरिडोर्स को और प्लेग्राउंड को क्लीन किया, एक ग्रुप ने टॉयलेट को क्लीन किया, और जो लास्ट ग्रुप था उसने हमारे स्कूल में जो भी पुरानी बेकार की चीज़ें थी उनको सोल्ड आउट कर दिया, मटेरियल्स को बेचने का काम किया. तो इस तरह से हमारे स्कूल से कचरा बाहर हो गया और पूरा स्कूल साफ हो गया और बड़ा सुंदर हमारा स्कूल लगने लगा. 2 अक्टूबर को हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया. इस तरह से आप कुछ लाइनें लिख करके इसको अपने आप में सांसद को बना सकते हैं. अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं. इस चैप्टर के फोटो मेरा स्क्रीन तो करेंगे या फोटो क्लिक करके बात सेंड कर दूँगी. सेकेंड है, वाई शुड वी डू सो दैट क्लीनलीनेस बिकम आवर हैबिट. ऐसा हमको क्या करना चाहिए कि जो क्लीनलीनेस है वो हमारी हैबिट बन जाए, आदत बन जाए. तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? इसके लिए यू शुड ऑलवेज यूज डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज. आपको हमेशा डस्टबिन यूज करनी चाहिए गार्बेज फेंकने के लिए, कचरा फेंकने के लिए. तो आपके आसपास साफ सफाई रहेगी, और आपके आसपास अगर साफ सफाई रहेगी तो वो क्लीननेस आपकी हैबिट बन जाएगी. आपको कभी भी इधर उधर कचरा ना फेंक करके डस्टबिन का यूज करना चाहिए. अपने हाउस को, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए. ओके, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, what did Gandhi ji do to make the visitor aware of cleanliness in his ashram? अपने आश्रम में विजिटर्स को सफाई के लिए अवेयर करने के लिए गांधी जी को क्या काम देते थे? क्या काम देते थे बताया ना? Whenever anyone went to Gandhi ji's ashram, जब भी कोई गांधी जी के आश्रम में जाता था, he was given the work to clean the toilets first. First he was given the task to clean the toilet. सबसे पहले उसका काम दिया जाता था टॉयलेट क्लीन करने. फोर्थ क्वेश्चन, राइट योर व्यूज इन क्लीन इंडिया कैंपेन. आपके क्या विचार है क्लीन इंडिया कैंपेन को लेकर के? तो आपको ये लिखना है, तो क्लीन इंडिया कैंपेन वॉज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर. इट वॉज अ गुड स्टार्ट टू अवेयर द पीपल अबाउट क्लीनलीनेस. ये लोगों को क्लीनलीनेस के लिए अवेयर करने के लिए बहुत अच्छी स्टार्टिंग है, बहुत अच्छी स्टार्टिंग है. क्योंकि अगर इसके लोग अवेयर होंगे तो हमारे पूरी कंट्री में हर जगह साफ सफाई होगी, और हम सभी पीपल क्या होंगे, सभी लोग क्या होंगे, फिट एंड हेल्दी रहेंगे, और हमारा कंट्री बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. तो ये हमारे व्यूज हैं इस कैंपेन को लेकर. फोर क्वेश्चन आपको करना है इस चैप्टर के, और बाकी के जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे.